खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उनमें कुलार के पार्षद पी गणेश का भाई पी राजू, जिसने न केवल इस अवैध जमीन को खरीदा बल्कि उन तमाम लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया जिन्होंने कभी इसी जमीन पर खुद का आशियाना बनाने का सपना देखा था। हम लोग क्या है, 15 साल से प्लाट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक एक पैसा जमा करके हमने प्लाट खरीदा था कि मकान बनाएंगे। आज स्थिति ये हो रही, 10 साल से हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं और संस्था वाले पैसा कमाने के लिए आज भी जो जमीन है उस पर भी गुमराह कर रहे हैं। लोगों के नाम से फर्जी रजिस्ट्रियां कर दी है, खुद ही मिलके उस पर मकान बना रहे हैं, कॉलोनियां डेवलप कर रहे हैं और 40-40 लाख 50-50 लाख में मकान बेच रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और आज भी कमा रहे हैं हमारे पैसे पर। जब पी राजू से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले का ठीकरा सोसाइटी के पदाधिकारियों पर ही फोड़ दिया। किसानों की जमीन है, किसानों ने सोसाइटी को बेची, सोसाइटी ने हमको बेची, क्यों बेची अब वो सोसाइटी बताएगी क्यों बेची। स्वदेश बिल्डर्स ने तो हद ही कर दी। इस बिल्डर ने एक ऐसा खेल खेला जो किसी की समझ में ही नहीं आया। जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में खरीद कर इन पर मकान बना दिए। सर्वधर्म ई सेक्टर वाले, उन्होंने आर्चर्ड पैलेस वाले को, स्वदेश बिल्डर वाले को ये जमीन बेच दी। स्वदेश बिल्डर वाले ने क्या करा है कि छोटे 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 पार्ट में 4 हिस्सों में लेके परमिशन लेके उस पर पूरे मकान बना दिए गए हैं। वो गलत है ना, तो उन्होंने उस पर सीवेज टैंक बनाए ना ओवरहेड टैंक बनाए। स्वदेश बिल्डर्स द्वारा बनाई गई है, इसी को तोड़ने के लिए, इन बिल्डिंग्स और बंगलों को तोड़ने की कार्रवाई इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी नगर पालिका द्वारा। और उसी बिल्डिंग और उससे संबंधित जो भूमि है उसका एक्चुअली माननीय न्यायालय में स्टे दे दिया है माननीय न्यायालय ने, और माननीय न्यायालय से स्टे होने के कारण उसमें कार्रवाई अभी रुक गई। क्रेडाई की अगर बात की जाए तो वे क्रेडाई की क्रेडिबिलिटी का डंका पीटते नजर आते हैं। क्रेडाई की तुलना हॉलमार्क से करने पर भी नहीं चूकते। लेकिन अब साहब से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने खुद ही जमीन पर अवैध कब्जा कर आवासहीनों का हक मारा है, या फिर कहें कि भविष्य में यदि इसी कॉलोनी को तोड़कर कब्जा मुक्त करवाया जाता है तो क्या क्रेडाई वैसी ही भूमिका निभाएगा। ये तीनों ही बिल्डर्स जो कि क्रेडाई के मेंबर्स भी हैं, इन्होंने जहां आवासहीन सदस्यों का हक मारा है वहीं सरकारी नाले पर भी निर्माण कर नाले को पूर दिया। आइए आपको दिखाते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ये नक्शा। इस नक्शे में साफ तौर पर सर्वधर्म कॉलोनी में से गुजरता हुआ नाला देख सकते हैं, लेकिन हकीकत के धरातल पर ना तो यहाँ नाला नजर आता है और ना ही दूर दूर तक उसका कोई निशान। हाँ, जहाँ नाला है वहाँ अर्निंग पॉइंट्स नाम की ये भव्य व्यवसायिक इमारत जरूर खड़ी हो चुकी है। ये भी इन्हीं तीनों धोखेबाज बिल्डरों की देन है। नाले के एक छोर पर तो बिल्डरों ने बिल्डिंग तान दी। यदि सर्वधर्म में से भी कोई नाला जाता है तो उसकी भी मैं जांच कराऊंगा और यदि ऐसा पाया जाता है तो निश्चित ही उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए अब लिए चलते हैं नाले के दूसरे छोर की ओर। इस नाले की दुर्गति लोगों ने अपने ही हिसाब से कर दी और नक्शा भी खुद के हिसाब से डिजाइन कर लिया है। कहीं नाला चौड़ा है तो कहीं नाली में बदल जाता है। कैमरामैन सचिन पाटीदार के साथ तरुण गुप्ता, बंसल न्यूज, भोपाल। सर्वधर्म हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष ने सिर्फ 7 सालों के अंदर 23 एकड़ उस भूमि को बेच दिया जिस पर लगभग 350 लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई इनके हवाले की थी अपने मकान का सपना संजोने के लिए। उन्होंने जहां सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की वहीं कोर्ट की अवमानना भी कर दी, लेकिन यह सिलसिला अभी भी रुका नहीं। और अक्टूबर 2009 के आते आते सोसाइटी की 45 एकड़ जमीन में से केवल 13 एकड़ जमीन ही बाकी रह गई। ये खुलासा तब हुआ जब 24 अक्टूबर 2009 को तहसीलदार द्वारा इसका सीमांकन किया गया। हैरत होगी ये जानकर कि दशकों से चक्कर काट रहे मेंबर्स जो कि अपने प्लॉट्स का पूरा पैसा चुका चुके थे उनको भी प्लॉट मुहैया नहीं कराया गया।
आखिरकार सदस्यों ने अपनी शिकायत कलेक्टोरेट और सहकारिता विभाग में दर्ज कराई। विगत दिनों जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ जांच की कार्रवाई की गई थी। इसमें सरधर्म भी एक है, जिसमें लगभग 400 कुछ मेंबर्स को प्लॉट नहीं मिले थे। फलस्वरूप एक बिल्डर के खिलाफ FIR भी कराई गई थी और काफी प्रभावी कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई। इन सदस्यों की मुखालफत से इतना फर्क जरूर हुआ कि सोसाइटी के अध्यक्ष और कार्य समिति के लिए दोबारा चुनाव कराए गए। वर्ष 2009-2010 में 1200 में से केवल अब 431 सदस्य बाकी बचे, लेकिन धोखाधड़ी का ये खेल कर रहे सोसाइटी के अध्यक्ष ने यहाँ भी नया दांव खेल ही दिया और सहकारिता विभाग से ऐसा गठजोड़ किया कि सदस्यों की संख्या 431 से बढ़कर अचानक 502 पर पहुंच गई। कोई सूचना नहीं दी जाती है मीटिंगों की, और मीटिंग पता नहीं कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, हमें मालूम ही नहीं चलता। बाद में मालूम चलता था मीटिंग हो गई, प्रस्ताव पारित हो गया। साठ गांठ के चलते सहकारिता विभाग ने इस घालमेल को नजरअंदाज कर दिया और सर्वधर्म हाउसिंग सोसाइटी के ही एक बाबू राजेंद्र चतुर्वेदी को ताबड़तोड़ सोसाइटी का नया अध्यक्ष बना दिया गया। धोखाधड़ी का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। नए अध्यक्ष राजेंद्र चतुर्वेदी, जो कि बिल्डरों और पूर्व अध्यक्ष की कठपुतली के रूप में अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए, उन्होंने अपने आकाओं को कानून के लंबे हाथों से बचाने के लिए एक चाल चली। राजेंद्र चतुर्वेदी ने पुराने संचालक मंडल के सदस्यों और बिल्डरों के खिलाफ कोर्ट में एक परिवाद दायर किया और वे तमाम बातें कोर्ट के सामने रखी जो पहले ही पुलिस और जिला प्रशासन अपनी जांच में साबित कर चुका था। लिहाजा आवासहीन सदस्यों की रोज रोज की जलालत और पुलिस की दुश्वारियों से बचने के लिए मुलाजिम राजेंद्र चतुर्वेदी को मोहरा बनाते हुए एक ऐसा पैंतरा खेला कि सदस्यों समेत पुलिस भी चारों खाने चित हो गई। ये इस पैंतरे का एक पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि कोर्ट का खौफ दिखाकर सदस्यों को एक बार फिर पैसे वापस लेने का दबाव बनाया जाए, और बहुत हद तक लोग इस जाल में फंस भी गए। लेकिन इन धोखेबाजों की दाढ़ में तो जैसे खून लग चुका था, लिहाजा जहां पुलिस और सदस्यों का दबाव बढ़ता तो कोर्ट का डंडा दिखाकर ये धोखेबाज पुलिस को चलता कर देते। वहीं इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इन्होंने 24 अक्टूबर 2010 तक कॉलोनी की बची हुई 13 एकड़ जमीन में से 11 एकड़ जमीन महज 4 महीने में 24 फरवरी 2011 तक बेच डाली, जबकि इस जमीन पर कोर्ट के स्टे ऑर्डर थे। न तो जिला प्रशासन और न ही कोर्ट को इसकी भनक लगी। इसका खुलासा उस समय हुआ जब 30 दिसंबर 2010 को एक बार फिर जमीन का सीमांकन किया गया। तहसीलदार ने जो रेवेन्यू ऑर्डर शीट जारी की है उसके मुताबिक खसरा क्रमांक 163 एक, 164 का, 165 का, 166 का, 163 एक गा के लगभग एक हेक्टेयर रकबे पर मंदाकिनी गृह निर्माण सहकारी समिति का अवैध कब्जा है। इसी तरह खसरा क्रमांक 34 170 21, 34 170 22, 34 170 23, 34 170 24 के कुल रकबे 1.8 हेक्टेयर पर ऑर्चिड पैलेस का अवैध कब्जा है और इस जमीन पर पक्के ड्यूप्लेक्स का निर्माण कर दिया गया है। इसी तरह खसरा क्रमांक 34131, 34 1 2 गा, खसरा क्रमांक 34 1 3 गा और खसरा क्रमांक 34 1 5 1 का, जिसका कुल रकबा करीब 0.754 हेक्टेयर है, इस पर स्वदेश डेवलपर्स एंड बिल्डर्स का कब्जा है। यह वक्तव्य हमारा नहीं बल्कि राजस्व निरीक्षक का है। कैमरामैन सचिन पाटीदार के साथ तरुण गुप्ता, बंसल न्यूज़, भोपाल।